हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme 8 वाईफाई कनेक्टिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है और आपको वाईफाई कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यही इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग ओपन करना है अपने मोबाइल में। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। यहाँ वाईफाई में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग नेटवर्क है, तो यहाँ पे जिस पे भी आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वो वाईफाई का यहाँ पे आपको सबसे पहले पासवर्ड चेंज करना है। मेरा मतलब ये है कि जो भी जिसका भी वाईफाई है या फिर हॉटस्पॉट आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसका कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे चेक करना है कि उसका पासवर्ड बराबर मैच कर रहा है या नहीं। अगर आपने पासवर्ड सेम डाला है तो फिर आपको एक बार अपना पासवर्ड वहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल रीस्टार्ट करना है, यानी बंद करके चालू करना है, और जो भी वाईफाई की सेटिंग मतलब नॉर्मल सेटिंग होती है उसे एक बार रीसेट कर देना है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस से वाईफाई जब पासवर्ड डालेंगे आप नया वाला, उसके बाद यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद जब यहाँ पे आप यूज़ करने जाएंगे तो कनेक्ट हो जाएगा इजीली और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि वाईफाई का पासवर्ड आपको चेंज करवाना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम से आपका वाईफाई कनेक्ट हुआ रहता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है और दूसरे नेटवर्क इशू भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले पासवर्ड चेक कर लेना है, चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल बंद करके चालू करना है, रीस्टार्ट करना है, और लास्टली यहाँ पे आपको जो मैंने बताया है सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे रूल फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर जब आप स्टार्ट करेंगे कनेक्ट करना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि अगर आपका वाईफाई कनेक्ट प्रॉब्लम हो रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कि ये सारी सेटिंग फॉलो करने के बाद आपका वाईफाई कनेक्ट हुआ या नहीं, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही है, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।